चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर पंजाब और गुजरात के बीच चल रहा है मैच, जिसको गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है 3 विकेट से। पंजाब किंग्स को इस मैच में हरा दिया है। यह है ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने यह मैच आसानी के साथ 3 विकेट से जीत लिया है। पहले पंजाब को बैटिंग करते हुए पंजाब 142 पर ऑल आउट हो गई और गुजरात ने 7 विकेट जरूर गवा दिए, लेकिन 143 रनों का ये जो लक्ष्य था उसको इन्होंने 20वें ओवर की पहली ही बॉल पर, यानी कि 19.1 ओवर्स में इस मैच को खत्म कर दिया है। गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट से मैच जीत लिया है। पंजाब किंग्स, जिन्होंने पहले बैटिंग आज करी थी, सिर्फ 142 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे, उस टीम को गुजरात टाइटंस ने इस मैच में हरा दिया है। 3 विकेट से गुजरात टाइटंस ने यह मैच जीत लिया है। जीत के हीरो गुजरात की तरफ से राहुल तेवतिया रहे हैं, जिन्होंने ये मैच जब ऐसा लग रहा था कि फंस गया है, वहां पर 18 बॉलों में 36 रन बनाकर गुजरात को यह मैच 3 विकेट से जिता दिया है। तो भाई राज, यहां पर ये जो मैच है गुजरात और पंजाब का, पंजाब की टीम बिल्कुल आरसीबी के साथ साथ चल रही है, और जिस तरीके से आपने बताया कि आप आरसीबी के साथ साथ पंजाब के भी फैन हो, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आपकी सांसें कैसे चल रही हैं। मेरा नाम रमित है और गले के फरहान अख्तर लगे हुए हैं, क्योंकि आज गलती से दोनों टीम्स का मैं फैन हूँ, दोनों टीम्स का ही मैच था, दोनों टीम्स हार गई हैं। हाँ। तो मैं आज शो में कम ही बोलूंगा। हाँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे प्रीति चिंता, प्रीति चिंता, हाँ बिल्कुल चिंता की तो बात है प्रीति जी के लिए, क्योंकि पंजाब किंग्स एक और मैच हार गई है। दिखाते हैं आपको कि क्या रहा स्कोर कार्ड जब गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच हुआ। पंजाब किंग्स, जिन्होंने आज बैटिंग की शुरुआत करी, 142 रन पर ऑल आउट हो गई, और ये तब था जब पहले विकेट की पार्टनरशिप में पंजाब किंग्स की तरफ से कप्तान सैम करन और प्रभसिमरन सिंह ने 5 ओवर 3 बॉलों में ही 52 रन जोड़ लिए थे, यानी कि शानदार शुरुआत हुई पंजाब की इस मैच में। 52 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार विकेट गिरते गए, बिल्कुल पंजाब के बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आ पाया। कोई भी बैट्समैन, जो चाहे वो देसी हो चाहे वो विदेशी हो, पंजाब की तरफ से किसी ने रन नहीं बनाए। जितने भी उनके बड़े बड़े स्टार बैट्समैन थे, सब के सब अपनी ऐसी की तैसी कराकर पवेलियन वापस चले गए। 9वें नंबर पर आए हरप्रीत बरार। एक्चुअली पिच ना बड़ी स्पिनर्स को वो कर रही है। चुप रहो, स्पिनर्स को मदद हो या फिर फास्ट बॉलर्स को मदद हो, झूम रही थी बॉल। अरे झूमेगी ही बॉल, झूम बराबर झूम में भी प्रीति सिंह का पंजाब में भी मैच था ना, पंजाब में भी मैच था। यहां पर आप कुछ अलग अलग बातें कर रहे हो, लेकिन आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो मैच है, उसमें सबसे पहले हम आपको गुजरात का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। 142 रन पंजाब की टीम ने बनाए थे, 143 रन का लक्ष्य था। गुजरात टाइटंस ने यह मैच 3 विकेट से जीत लिया, 7 विकेट खोए। यहां पर आपको पूरा बैटिंग कार्ड दिखा देते हैं। रिद्धिमान साहा 11 बॉलों में आज इन्होंने 13 रन बनाए, एक चौका जरूर लगाया। शुभमन गिल 29 बॉलों में 35 रन 5 चौके, यानी कि ये जो छोटा टारगेट था उसको बहुत जल्दी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किसी भी बैट्समैन ने पीछा नहीं किया। साई सुदर्शन ने 34 बॉलों में 31 रन बनाए 3 चौकों के साथ। डेविड मिलर आज फेल रहे, 6 बॉलों में 4 रन बनाकर वो आउट हुए। अजमतुल्ला उमर जई भी 10 बॉलों में 13 रन बनाकर आउट हुए, और जब ऐसा लग रहा था कि मैच गुजरात टाइटंस ने शायद फंसा लिया है, राहुल तेवतिया आते हैं और वही काम करते हैं जिसके लिए राहुल तेवतिया जाने जाते हैं। 18 बॉलों में 36 रन 7 चौकों के साथ, तो शुक्र है भगवान का कि कोई राहुल तो बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन यहां पर शाहरुख खान 4 बॉलों में 8 रन बनाकर वो आउट हुए। राशिद खान भी मैच को आखिर तक ले गए, लेकिन फिर 3 बॉलों में 3 रन बनाकर आउट हुए। साई किशोर ने कोई भी स्कोर में अपने वृद्धि नहीं करी, लेकिन इस तरीके से गुजरात ने यह मैच जीत लिया है और पंजाब को, हाँ जी क्या कह रहे हैं आप, गिल का मामला है। देखिए गिल का मामला है, मुझे लगता है कि इनके दिल का मामला है, और मुझे लगता है कि ये जो दिल लगाकर बैठे हैं दो टीमों के साथ, वो इस आईपीएल 2024 की सबसे फिसड्डी टीम है। शुभमन गिल की बात कर रहे थे, 29 बॉलों में 35 रन इन्होंने बनाए,
पांच चौके इन्होंने जरूर लगाए, 120.68 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जब गुजरात को उम्मीद थी कि शायद शुभमन गिल कोई तूफानी शुरुआत देंगे, 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट तो देखने को मिला, लेकिन शुभमन गिल ने एक अच्छी पारी, शुरुआत में एक अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बाद कोई भी गुजरात का बैट्समैन कैपिटलाइज नहीं कर पाया। रिद्धिमान साहा का भी स्कोर कार्ड देख लेते हैं, 11 बॉलों में इन्होंने 13 रन बनाए, एक चौका इन्होंने लगाया, 118.18 का स्ट्राइक रेट इनका रहा। पर उसके बाद साई सुदर्शन आए, डेविड मिलर का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, 6 बॉलों में 4 रन बनाकर ये आउट हुए। डेविड मिलर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन गुजरात टाइटंस ने ऐसा सा लगा जैसे कि बीच में बिल्कुल इस मैच को खो दिया है। साई सुदर्शन ने 34 बॉलों में 31 रन, 3 चौके, स्ट्राइक रेट 91.18 का रहा। और इसी के साथ गुजरात ने ये जो मिडल ऑर्डर में थोड़ी सी स्लो बैटिंग करी, ऐसा लगा शायद वो रास्ता इस मैच का खो बैठे हैं। अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के खिलाड़ी, 11 बॉलों में इन्होंने 13 रन बनाए, एक छक्का जरूर लगाया, ये भी गुजरात को जीत की तरफ नहीं लेकर जा पाए। और सारी जिम्मेदारी फिर निभाई राहुल तेवतिया ने, 18 बॉल, 36 रन, 7 चौके, 200 का स्ट्राइक रेट। राहुल तेवतिया ने इस मैच की दशा और दिशा चेंज करी, क्योंकि एक बार को ऐसा लग रहा था कि घटिया खेलने के बाद भी पंजाब किंग्स शायद इस मैच में वापसी कर जाएगी, लेकिन राहुल तेवतिया ने कहा, नाम तो आपने सुना ही होगा, राहुल नाम है इनका।